हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। और तो मैं आपको बताती हूँ, आज एक खुशी की बात है। हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं हमारे, और नया घर अभी मैं नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी सब कुछ आज ही शिफ्ट हुए हैं तो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा हुआ है सब कुछ। जब सेट हो जाएगा तब मैं आपको ज़रूर नया घर दिखाऊंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ जो जो हमने सेट कर लिया है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फिर इधर टीवी लगा दिया है, और ये है ड्रेसिंग, ये हमारा ड्रेसिंग है, ये हमारी स्टडी टेबल है। जब भी हमारा मन करता है तो हम इस पर पढ़ाई करते हैं, मेरे हस्बैंड मोस्टली इसी पर पढ़ाई करते हैं। एंड ये हमारे रूम के पर्दे हमने लगा लिए हैं, जो कि पर्पल कलर के हैं, क्योंकि पर्पल कलर मेरा फेवरेट है, इसलिए हमने यही पर्दे लगाए हैं। एसी लगा लिया है, और बालकनी का जो व्यू है वो बहुत अच्छा है, सामने से पूरी ग्रीनरी दिखती है। अभी थोड़ी इवनिंग हो गई है तो आपको दिख नहीं पा रही है, और बालकनी बहुत स्पेशियस है। तो इतना ही अभी तक सेट हुआ है, और ये सब कपड़े अभी अलमारी में डालने हैं, डाले नहीं हैं, क्योंकि हम पहले सोच रहे हैं कि हम खाना खा लेते हैं। तो खाना मैं दिखा देती हूँ क्या क्या है हमारा। ये रोटी है, ये छाछ है, थोड़ी सी गिर गई है, डोंट माइंड। ये रोटी है, छाछ है, ये है हमारी आज की आलू की एंड भिंडी की सब्ज़ी, और ये है मेरी शेज़वान सॉस, शेज़वान चटनी। तो चलिए अब हम खाते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ उससे पहले, ये है मेरी अलमिरा, ये अलमिरा यहाँ पर सेट हो गई है। तो हमने ना बंदर को लड्डू दिया है, और वो ये लड्डू खा रहा है, देखिए किस तरीके से साफ़ कर रहा है, क्योंकि शायद थोड़ी मिट्टी लग गई है। तो हाउ क्यूट ना, यहाँ पर बंदर आते हैं, ये जो पेड़ है ना इस पर कभी कभी बंदर आते हैं। तो हम यहाँ से, ये हमारी बालकनी है, तो यहाँ से उनको खाना दे देते हैं, तो वो खा लेते हैं। हाँ, कागज़ इटा के खा रहे हैं। हाउ अंडरस्टैंडिंग ही इज़। तो 9:45 हो रहे हैं, और अब हम जा रहे हैं बाहर, ये इंजीनियर साहब भी आते हुए। तो आज ये मुझे इंडिया गेट पर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि शायद नहीं, सच्ची में, क्योंकि इंडिया गेट हमारे घर से बिल्कुल पास है। तो हम जा रहे हैं, कल भी हमने खाई थी आइसक्रीम, और आज भी हम खाने जा रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि अब हमारा ये रूटीन का चीज़ बनने वाली है ना। हमारा मोहल्ला कितना बड़ा है। हाँ, हमारा मोहल्ला देखो कितना बड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और हम जा रहे हैं इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने के लिए, और आज हम कार लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी है, ज़्यादा सिक्योरिटी है। और अगर स्कूटी पर जाएंगे तो हेलमेट पहनना पड़ेगा, और मैंने आज ही बाल धोए हैं, तो मुझे हेलमेट नहीं पहनना, इसीलिए मैं कार में जाऊंगी आज। और पैदल भी नहीं जाना, क्योंकि मैंने अच्छे से कपड़े पहन रखे और हील पहन रखी है, तो मैं कार में नहीं जाऊंगी, तो पैदल नहीं जाऊंगी। आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पर, ये है हमारा सिक्योरिटी रूम, यहाँ पर सिक्योरिटी रहती है, अच्छे से लगा रखा है, सोफ़ा वगैरह सब है यहाँ पर। और हम ढूंढ रहे हैं हमारी कार। झूला झूलने के लिए तो हमने ना तीज पर, तीज जब थी तो तीज पर झूला नहीं झूला था, तो इसलिए अभी झूल रहे हैं। ये बेबी है मेरी सही है ना, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बचपन में भी ऐसे ही झूलते थे क्या? हाँ। सही है। तो एक्चुअली तीज पर झूला नहीं झूला था, तो मैं इनको बोल रही थी तीज पर झूला झूलते हुए को झूला झूला के लाओ, तो फिर ना यहीं पर ही हमारे सोसाइटी में ही था ये, तो मैंने आज झूलिया, आज इच्छा पूरी हो गई। थैंक यू हस्बैंड। चलिए चलते हैं अब आइसक्रीम खाने के लिए इंडिया गेट पर, और अगर कुछ और अच्छा लगेगा तो शायद मैं वो भी ले लूं, पर अभी तो मेरे को आइसक्रीम का ही ध्यान आ रहा है ना।
और कुछ तो देखते हैं क्या है। वैसे तो आज सिक्योरिटी भी थोड़ी हाई है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। महाराष्ट्र सदन आज इंडिपेंडेंस डे है तो लाइटिंग देखिए, ये ऑरेंज थी, ये ग्रीन है, तो लाइटिंग भी इन्होंने ऐसी ही करी हुई है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हैं सामने इंडिया गेट है, ये देखिए इंडिया गेट है ये, और इसमें इंडियन फ्लैग बना हुआ है, ऑरेंज वाइट एंड ग्रीन कलर कर रखा है इसमें, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो अभी ये गोला है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ जो भी है ये, हम घूम के यहाँ से फिर जाएंगे इंडिया गेट पर। तो हम इधर से घूम के हमारा वे है, फिर हम उधर जाएंगे इंडिया गेट की तरफ। अभी इंडिया गेट नहीं दिख रहा है क्योंकि वो चला गया है, लेकिन हम उसी की तरफ जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है इंडिया गेट, लोग खड़े हुए हैं, लोग पिक्स क्लिक कर रहे हैं इधर। तो हम इंडिया गेट पर आ चुके हैं, उस दिन दिख नहीं रहा था क्योंकि हम रात को आए थे, थोड़ी इवनिंग हो गई थी। अभी हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं और इधर ट्रैफिक भी बहुत लगा है क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं इंडिया गेट पर, इसीलिए आज ट्रैफिक है। और ये है हमारा इंडिया गेट, आज अच्छे से दिख रहा है। तो ठीक है, अब इंडिया गेट मैंने दिखा दिया, अब हम आइसक्रीम खाते हैं, बाय। आज बहुत क्राउड है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, लोग इंडिया गेट पर आए हुए हैं। और ये है आइसक्रीम्स, ये यहाँ से इंडिया गेट ना इनके सामने से ही दिखता है, बट उस दिन रात को नहीं दिख पाया था, तो कोई बात नहीं, हम आज वापस से आ गए हैं। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मेरे हस्बैंड गए हैं आइसक्रीम लेने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो रखा है, भीड़ काफ़ी है, तो वही आइसक्रीम लेकर आ रहे हैं। और हम यहाँ ज़्यादा देर अब नहीं रुकेंगे क्योंकि भीड़ है काफ़ी ज़्यादा, और हम बस घर पर जाएंगे आइसक्रीम लेके। तो आज का हमारा जो था प्लान था आइसक्रीम खाने का, वो बस यहीं पर ही ख़त्म होता है, तो चलिए बाय। ये आ गई है आइसक्रीम, और ये देखिए क्या है, बुढ़िया के बाल, तो मैं ये भी ले रही हूँ बुढ़िया के बाल। कितने का है? बीस का दो है, ठीक है दे दो। एक ही चाहिए ना, एक ही चाहिए, एक दे दोगे? आपको नहीं खाना, ठीक है एक ही दे दो। एक कितने में आएगा? एक दस का है, थैंक यू। राजीव चौक, हम घूमते घूमते लॉन्ग ड्राइव पर आ गए हैं, तो राजीव चौक है, वैसे तो ये लॉन्ग ड्राइव नहीं है क्योंकि राजीव चौक और इंडिया गेट दोनों हमारे घर के पास है, पर एक तरफ इंडिया गेट और एक तरफ राजीव चौक है। तो हम पहले इंडिया गेट गए थे, अभी राजीव चौक, तो ये राजीव चौक है, आप देख सकते हैं इसकी जो लाइटिंग है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, बिकॉज टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे, सो बहुत अच्छे से इसको डेकोरेट किया गया है। हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ये आप देख सकते हैं राजीव चौक पे, यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं लोग क्योंकि डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई है इसलिए। तो इंडिया गेट नहीं जा पाए आज, लेकिन हम मॉर्निंग वॉक पर आए हैं तो अच्छा लग रहा है, सबको करनी चाहिए। वो देखिए शिवाजी महाराज की नहीं, वो शिवाजी महाराज नहीं है, तो ज्योतिरा भाव फूले, हाँ वो ज्योतिरा भाव फूले है, वो तो उधर है। तो हम ना आज से हमने सोचा है कि हम सोचा क्या, वो तो पहले से ही सोचा हुआ था, तो लेकिन आज से हमने प्रॉपर शुरू कर दिया है। पहले हम ना टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं जा रहे थे, तो अभी हमने प्रॉपर टाइमिंग हमारा सेट कर लिया है,
क्योंकि हम बस अभी शिफ्ट हुए नए घर में, तो बहुत सारी चीज़ों को सेटल करने में टाइम लगता है, तो टाइम मिल नहीं पाता। तो आज हम निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है। थोड़ा बहुत और करना है, वो तो धीरे धीरे हो जाएगा। बाकी अच्छा लग रहा है मॉर्निंग वॉक पे आके। बाय।